तो सबसे जरूरी चीज है, आज हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का 2019 या 18 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, बीट प्लास्टिक करके उन्होंने शुरुआत करी थी और तब से ये चीज़ें बहुत चालू हो गई हैं कि भाई हमें प्लास्टिक के साथ हटा देना है, प्लास्टिक के साथ नहीं रहना है, प्लास्टिक को ख़त्म कर देना है। तो हर एक का एज होता है, हमने वो सॉइल का भी एज देखा, मेटल का भी एज देखा, आयरन का एज देखा, ब्रास का एज देखा, प्लास्टिक का एज है और हर एक एज में हमें उसके साथ कैसे जीना है ये समझने की ज़रूरत है। प्लास्टिक को हम हटा नहीं सकते लेकिन हमें उनके साथ कैसे जीना पड़ेगा ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपको बताएं 20-25 साल पहले जब हम दादाजी के साथ खेत में जाया करते थे तो जब भी कोई प्लास्टिक वगैरह लेकर के जाते थे तो वो किसी दूसरे के खेत में फेंकने को नहीं बोलते थे, बोलते थे कि पॉकेट में रख लो और ला करके एक बड़ा सा बक्सा बना रखा था उन्होंने, उस बक्से के अंदर वो प्लास्टिक को डाल देते थे। मतलब दादाजी की समझ 25 साल पहले 20 साल पहले उनको समझ में थी कि ये अगर प्लास्टिक दूसरे के खेत में भी फेंक देंगे तो वो सॉइल को नुकसान करेगा, इम्पोर्टेंट बना देगा सॉइल को। तो ये सारी चीज़ें जो हमें जो ट्रेडिशनल विजडम मिला है ना, वो आपको आपके एजुकेशन में जो मॉडर्न एजुकेशन होता है, हमारी जो आज की जो साइंस एंड टेक है उसके साथ जब तक हम ले के नहीं चलेंगे तब तक हम उन सब चीज़ों को समझेंगे नहीं। आज आपको बताएं 2020 का एक रिसर्च है कि जो एंथ्रोपोजेनिक बायोमास है, जो मैन मेड बायोमास है, वो नेचुरल बायोमास को एक्सीड कर गया है। मतलब हमारे द्वारा जो क्रिएटेड बायोमास है वो पूरा का पूरा बेस्ट है, नेचुरल बायोमास को हमने एक्सीड कर लिया है। अर्थ की हालत आप समझ सकते हो, जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम लोग लगभग कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, तो उसका नुकसान तो आपको कुछ ना कुछ कहीं जगहों पर झेलना पड़ेगा, डिजास्टर रिस्क में झेलना पड़ेगा, आपको आपदाओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो प्लास्टिक उसी तरीके की एक बड़ी आपदा है और UNEP का एक प्रोजेक्शंस है कि लगभग हम अपने यूज का 50% सिंगल प्लास्टिक को हम लोग निकालते हैं और हमें प्लास्टिक के बारे में कोई समझ नहीं है। हमारी आबादी का 0.001% भी अगर नहीं समझता कि इस प्लास्टिक का मतलब क्या है, उनका मतलब ये है कि अगर वो थैली सब्जी गरम भी लेकर के होटल वाले ने दे दिया, अगर वो रंग छोड़ भी दिया, अगर उनकी सब्जी लाल हो गई या हरी हो गई फिर भी वो खा लेते हैं, तो हमें उनका हेल्थ बेनिफिट हेल्थ इम्पैक्ट पता नहीं है। अंधाधुंध प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि प्लास्टिक के साथ कैसे रहना है, कौन सी प्लास्टिक हमारे लिए अलार्मिंग है, कौन सी प्लास्टिक को हम लोग कितने समय तक उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग ज़्यादा दिन तक बचा के रख सकते हैं, कैसे हमें उसे एयर कॉन्टैक्ट से बचाएं कि वो माइक्रो प्लास्टिक में टर्न ना करे। आज अगर हम देखें तो हर एक आदमी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक फूड चेन के जरिए आया हुआ है, तो प्लास्टिक आने वाले समय के लिए नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और अभी सब भाई साहब लोगों से बात कर रहे हैं, ये हैं विवेक साहब हैं, वो लोग अल्टरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे अल्टरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब आपको निकल करके ये तैयारी करनी पड़ेगी कि हमें कौन सा चीज यूज करना है जो प्रकृति उसे समाप्त कर सके। मतलब जो डिकम्पोजर्स हैं वो कैपेबल हो सके उसको डिकम्पोज करने के लिए, अगर डिकम्पोजर्स कैपेबल नहीं है डिकम्पोज करने के लिए तो अल्टीमेट आप उस बर्डन के नीचे आने वाले हैं और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हम लोग भी एक्सटिंक्ट करेंगे। एक बड़ी संख्या में बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, इकोसिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, इकोसिस्टम को हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं, बड़े बड़े नेचुरल इकोसिस्टम को मार दे रहे हैं, अपने वाटर बॉडीज़ को मार दिया है हम लोगों ने, नदियों को मार दिया है हम लोगों ने, समुद्र के अंदर बेतहाशा 8 बिलियन टन के आसपास हर एक साल प्लास्टिक डाल रहे हैं, उसके साथ साथ और दूसरे